बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस कर रहे हैं और आज हम करेंगे एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है और मोल किसको कहते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर फार्मूला यूनिट्स। आपको पता है कि मादे की हर एक चीज़ एटम, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से मिलकर बनी है और किसी भी केमिस्ट के लिए मुमकिन नहीं है कि इनको काउंट करे। द काउंटिंग ऑफ दिस पार्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट। इन ज़र्रात को गिनना एक कीमिया दान के लिए मुमकिन नहीं है। तो उसका सलूशन जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर is the number of units in one mole of any substance defined as its molecular weight in grams is equal to 6.022 into 10 raised power 23. This the units may be electrons, atom, ions or molecules. इस number को Avogadro constant कहते हैं, यानी one mole of a substance contains a constant number of particles in the substance. एवोगैड्रोस जो है एक इटालियन साइंसदान का नाम था जिसके नाम के पीछे इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोस डिड नॉट डिस्कवर एवोगैड्रोस नंबर। इस साइंसदान ने इस नंबर को डिस्कवर नहीं किया था। हिज वर्क पेव्ड द वे टू द डिस्कवरी। इसके काम ने इसकी राह हमवार की और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम जो हैं वो केमिस्ट्री में चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी डिफ़ाइंड होना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, स्टे फोकस्ड, दिल जमाई से काम करें, क्लीन आफ्टर योरसेल्फ, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने दिल की सफाई भी करें, अपनी बैरूनी सफाई भी। और ये कैसे मुमकिन है, जब हम अल्लाह से जुड़ते हैं और कुरान मजीद जो है वो रब्बे करीम का तारुफ है। आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आज से कुरान मजीद को रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयात पढ़ना तर्जुमे के साथ अपने ऊपर लाजिम कर लें ताकि आप सच्चे और सीधे रास्ते पर गामजन हो सकें। सो द मोल इज़ डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड मोल। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को जब ग्राम में लेते हैं तो इसको मोल कहते हैं। यानी मोल की जो हैं वो दो डेफिनेशंस हैं। एक तो अगर हम उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करें, या वन मोल इज़ इक्वल टू एन एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट। किसी भी मोल में इतने पार्टिकल्स जो हैं वो सब में एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम इज़ इक्वल टू वन मोल, और वन मोल ऑफ द कार्बन कंटेन्स एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड H2O वाटर इज़ 18 ग्राम, 18 ग्राम इज़ इक्वल टू वन मोल, एंड वन मोल कंटेन्स द एवोगैड्रोस कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी तरह ग्राम फार्मूला वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 ग्राम, और ये वन मोल के बराबर है और इसमें एन जो है कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नोन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमने अगर इन में से हमें मास ऑफ सब्सटेंस मालूम करना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। गिवन मास ऑफ फास्फोरिक एसिड इज 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इज 98। तो हमने 40
डिवाइडेड बाय 90 इक्वेशन में वैल्यूज़ प्लेस की तो ये हमारे पास 0.408 आंसर आया, यानी 40 ग्राम्स ऑफ फास्फोरिक एसिड विल कंटेन 0.408 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड। प्यारे बच्चों, उम्मीद है सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।